हमारे आदमी नवरात्रि का पर्व प्रारंभ होने के लिए जा रहा है। बहुत सारे लोग गायत्री का अनुष्ठान करेंगे, लेकिन अनुष्ठान का उद्देश्य क्या होना चाहिए? किसी भी कार्य को जब हम प्रारंभ करते हैं तो जब तक उसका उद्देश्य यदि हमें पता ना हो तो उसका हम लाभ कैसे प्राप्त कर सकते हैं? आप कहीं यात्रा कर रहे हैं लेकिन आपको उद्देश्य ही नहीं मालूम कि हमारा उद्देश्य क्या है, तो वो यात्रा आपकी पूर्ण कैसे होगी? तो जब आप अनुष्ठान करने जा रहे हैं तो उसका उद्देश्य क्या होना चाहिए, इसी के बारे में आज हम आपसे चर्चा करेंगे। हमारे आत्मी जब आप अनुष्ठान प्रारंभ करते हैं तो आपका एक उद्देश्य निर्धारित होना चाहिए। हम अनुष्ठान क्यों करते हैं? अनुष्ठान इसलिए किया जाता है कि अध्यात्म में हमें वो ऊर्जा प्राप्त हो सके। भौतिक जगत की ऊर्जा प्राप्त करने के लिए लक्ष्मी की जरूरत होती है, लेकिन आध्यात्मिक जगत की ऊर्जा प्राप्त करने के लिए शक्ति की आवश्यकता होती है। और जब हम उस शक्ति की आराधना करते हैं उसे अनुष्ठान कहते हैं। आध्यात्मिक शक्ति को जब आप व्यक्ति अर्जित करता है उसके पीछे का उद्देश्य ये होता है कि जो बीज रूप में हमारे कुसंस्कार दबे हुए हैं उन कुसंस्कारों को कैसे नष्ट किया जाए। यदि आपको आगे बढ़ना है, आप चाहते हैं कि हमारा जीवन बड़ा सरल हो, तो उसके लिए जरूरी है कि आपके कुसंस्कार पहले नष्ट हो। जब तक वो कुसंस्कार नष्ट नहीं होंगे तब तक आपकी साधना सफल नहीं होगी। तो उस बीज को नष्ट करने का काम अनुष्ठान करता है। वह बीज वृक्ष रूप में परिणत हो उसके पहले उसे खत्म कर देने का नाम अनुष्ठान है। जो लोग जिंदगी में कई प्रकार से परेशान होते हैं उसका मुख्य कारण यह होता है कि उनका जो बीज था बुरे कर्मों का उस पर उन्होंने ध्यान नहीं दिया और वो धीरे 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 बढ़ करके वृक्ष का रूप ले लिया है। और जब वृक्ष बन जाता है तो उसमें अनेक शाखाएं निकल आती हैं। इसी प्रकार से व्यक्ति के जीवन में अनंत समस्या पैदा हो जाती है और फिर जब हम कोई साधना करते हैं तो फिर साधना हमारी सफल नहीं होती। तो अनुष्ठान के पूर्व हमारा उद्देश्य यही होना चाहिए कि हमारे जो कुसंस्कार हैं उनका बीज जो है वो वृक्ष का बन पाए, उसके पहले ही वो नष्ट हो जाए ताकि हमारे पास में आध्यात्मिक ऊर्जा एकत्रित हो सके। आपको कहीं यात्रा करना है, एक दिन की यात्रा करना है तो आप एक दो जोड़ी कपड़े रख लेंगे, 9 दिन की यात्रा करना है, लंबी जगह जाना है तो फिर आपको कुछ धनराशि भी रखना पड़ेगी, कुछ कपड़े भी ज्यादा रखना पड़ेंगे, घर की व्यवस्था भी आपको करके जाना पड़ेगी। और यदि आप लंबे समय के लिए जा रहे हैं 1 साल 2 साल के लिए तब फिर आपको ये बहुत सारी व्यवस्था बनाना पड़ेगी। उस व्यवस्था बनाने के लिए पहले से आपके पास में धन होना चाहिए, उतनी सुविधा होनी चाहिए, तब आप बाहर प्रवास कर सकते हैं, बाहर जा सकते हैं। और यदि आपके पास में पैसा है और आप यदि बाहर जा रहे हैं आपकी गाड़ी खराब हुई तो आपको चिंता नहीं होती कि चलो ठीक है दूसरी गाड़ी कर लेंगे। कोई समस्या आ गई, कोई बीमार हो गया, अस्पताल में भर्ती करना पड़ा बाहर, लेकिन आपके पास में धन है तो फिर आपको कोई चिंता नहीं रहती। इसी प्रकार से जब हम साधना करते हैं तो हमारे पास में आध्यात्मिक ऊर्जा आती है।
और जब अग्नि के पास में आध्यात्मिक ऊर्जा का एकत्रीकरण बहुत ज्यादा हो जाता है, तब फिर उसे चिंता नहीं रहती है कि मैं अपने जीवन में कोई मुसीबत मेरे ऊपर आने वाली है तो वो क्या होगा, क्योंकि उसे पता है कि मेरे पास में आध्यात्मिक ऊर्जा का भंडार है और उस आध्यात्मिक ऊर्जा के चलते मैं इन सारी समस्याओं से निपट सकता हूं। तो उन समस्याओं से निपटने का काम अनुष्ठान है, उनको पूरा करने का काम अनुष्ठान करता है। तो जो व्यक्ति लघु मध्यम या पूर्ण अनुष्ठान करता उसके पास में ऊर्जा एकत्रित हो जाती है। जिस प्रकार से कि आप कोई व्यवसाय कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं और आप अपना पैसा एकत्रित करते हुए चले जाते हैं, तो फिर अंत समय में वह राशि आपके लिए काम आती है। इसी प्रकार से जब हम साधना करते हैं तो साधना करते समय हमारे पास में आध्यात्मिक ऊर्जा जो है वो एकत्रित होते हुए चली जाती है। और जब हमारे जीवन में कोई विषम परिस्थिति आती है तो उस विषम परिस्थिति में उस ऊर्जा का जो हमने संग्रह किया है वह काम आती है। किसी का एक्सीडेंट हो गया वो बच गया तो लोग बोलते हैं ना कि कुछ अच्छे कर्म थे जो आड़े आ गए। ये अच्छे कर्म कौन से होते हैं? ये हमारी की हुई साधना का परिणाम होता है। तो जब आप साधना करते हैं तो फिर आपका बुरा समय कैसे निकल जाता है आपको पता नहीं चलता। इन सब चीजों से मुक्त कराता है अनुष्ठान। तो इस उद्देश्य से आध्यात्मिक ऊर्जा को एकत्रित करने के उद्देश्य से यदि आप गायत्री की साधना करेंगे तो निश्चित रूप से आपके पास में वो ऊर्जा एकत्रित होगी और आप अपने जीवन को सरल व सुखमय बना पाएंगे। तो चलिए इस नवरात्रि में गायत्री का लघु अनुष्ठान करें। अनुष्ठान कैसे करना उसके बारे में बहुत सारे वीडियो डाले हुए, आप उनको सुन लें और गायत्री का एक लघु अनुष्ठान करके अपनी ऊर्जा को संचित करें ताकि वह बीज जो है वो वृक्ष में परिणत न होने पाए, तो निश्चित रूप से आपको लाभ होगा। परम पूज्य गुरुदेव परम वंदनीय माता जी एवं मां गायत्री का सुख संरक्षण व उनका आशीर्वाद आप लोगों को सदैव मिलता रहे ऐसी कामना करते हैं। आप लोगों का अनुष्ठान सफल हो ऐसी कामना करते हैं। आज की बात समाप्त, हमें आज्ञा दें। नमस्कार।